Hi, grade 5th. In previous class of EVS, we had completed chapter 8, Forest and Tribal Life, and the topic was dependence of tribal people on the forest products, right? Today, I'm starting with the Chipko Andolan. Andolan wo hota hai, jo kisi bhi ek cause ke liye kiya jaye. अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे स्वच्छ भारत अभियान हुआ था, अभियान आंदोलन, राइट, वो एक किसी ना किसी कॉज के लिए होता है. वैसे ही द चिपको आंदोलन, चिपको मूवमेंट और चिपको आंदोलन वॉज अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट इन इंडिया. चिपको मूवमेंट या फिर चिपको आंदोलन क्या था? अ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, उसको बचाने का मूवमेंट. मूवमेंट मतलब जैसे मैंने बताया आंदोलन, अभियान, ठीक है, वैसे एक टाइप का जैसे मेक इन इंडिया इट्स अवर अभियान, देन स्वच्छ भारत अभियान, देन बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, राइट. तो The movement began in 1970s and aimed a protection and conservation of trees. जैसे मैंने बताया कि हर एक मूवमेंट का, आंदोलन का, अभियान का कोई ना कोई एम होता है, कोई ना कोई मोटो होता है. मोटो मतलब MOTO, मोटो. मोटो मतलब उसका उद्देश्य, राइट. तो एवरी मूवमेंट हैज इट्स ओन मोटो, इट्स ओन एम, राइट. तो ये जो चिपको मूवमेंट था उसका मोटो क्या था? प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्री. प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा एंड कंजर्वेशन मतलब संरक्षण. सुरक्षा करना और बचा के रखना किसको? ट्रीज को. उस टाइम पे डिफॉरेस्टेशन शायद ज्यादा हो रहा होगा, फॉरेस्ट कटिंग हो रही होगी, तो इन लोग ने प्रोटेक्शन मतलब ट्री के प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. द मूवमेंट ओरिजिनेटेड इन उत्तराखंड, हिमालयन रीजन. उत्तराखंड में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन 1973 एंड लेटर स्प्रेड थ्रू आउट द इंडियन हिमालयस. ये स्टार्ट कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था. कब हुआ था? 1973. और लास्ट आगे जाके कहाँ स्प्रेड हुआ था? पूरे हिमालय में, ठीक है. द वर्ड चिपको मीन्स टू हग और क्लिंग. जब हम किसी को गले लगाते हैं, सो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? चिपकना या फिर गले लगाना, राइट. तो द वर्ड चिपको, इस जो चिपको आंदोलन का जो चिपको वर्ड है उसका मतलब होता है द हग और टू क्लिंग. इन द चिपको आंदोलन पीपल एम्ब्रेस्ड द ट्रीज टू प्रिवेंट लॉगिंग. मतलब कि उस टाइम पे लोगों ने क्या किया था? जब पेड़ कट रहे थे वो लोग ट्रीज को चिपक के खड़े हो गए थे ताकि उसको कट करना वो लोग स्टॉप करवा सके, बचा सके. चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा आर वेल नोन एक्टिविस्ट लीडर्स हु आर इन्वॉल्व इन द चिपको मूवमेंट. ये जो दो थे, चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, ये दोनों इसके लीडर्स थे, उसके एक्टिविस्ट थे. एक्टिविस्ट वो होते हैं जो इस आंदोलन को मुख्य तौर पे लीड करते हैं. द चिपको आंदोलन इंस्पायर्ड मेनी पीपल मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट कंजर्वेशन. सम ऑफ देम वर, मतलब ये चिपको आंदोलन से आगे जो जो मूवमेंट इंस्पायर हुए उसमें से आगे जैसे द एपिको मूवमेंट इन कर्नाटका, द नर्मदा बचाओ आंदोलन इन गुजरात,
द चिलिका लेक एजिटेशन ऑफ ओरिस्सा। चिपको मूवमेंट के साथ ये तीन और आंदोलन भी थे जो एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए बने, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल एंड विद दिस आई एंड दिस क्लास। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय फॉर द डे, बाय।